राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच सोमवार को खेले गए आईपीएल मैच में टॉस के दौरान एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वाकया देखने को मिला। दरअसल आईपीएल में पहली बार कप्तानी करने वाले राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस के बाद सिक्का अपनी पैंट की जेब में डाल लिया, जिसके बाद वहां मौजूद मैच रेफरी और पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तान संजू सैमसन ने टॉस के समय पहले सिक्का उछाला और उसके बाद उस सिक्के को जेब में डालकर ड्रेसिंग रूम में चले गए। संजू सैमसन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर संजू सैमसन ने ऐसा क्यों किया। टॉस के समय मौजूद मैच रेफरी और पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल भी हैरान रह गए थे। वही बता दें कि अपने पहले मैच में कप्तानी कर रहे संजू सैमसन की 63 गेंदों पर 119 रनों की बेहतरीन पारी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांच से भरपूर आईपीएल मुकाबले में 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच का फैसला अंतिम गेंद पर हुआ। 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। अंतिम गेंद पर सैमसन को टीम को जिताने के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन वो आउट हो गए। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।